bismillah ar-rahman ar-rahim Assalamu alaikum welcome to gohar publishers our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning my name is ashebhi Khan and today i'm going to teach you exercise 5.1 and before going to 5.1 oh, we will see uh, the basic things of 5.1 फाइव पॉइंट वन की स्लाइड्स पर हम देखते हैं इसके बाद हम फाइव पॉइंट वन की एक्सरसाइज की तरफ आएंगे इसकी स्लाइड्स में हमें क्या बताया गया है नंबर ऑफ नंबर पैटर्न बताए हुए नंबर पैटर्न क्या होते हैं आइडेंटिफाई पैटर्न एंड टर्म टू टर्म रूल क्या होता है फाइंडिंग द टर्म ऑफ एन एरथमेटिक सीक्वेंस और फिर हम इसको देखेंगे कि सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम सीक्वेंस एंड पैटर्न पैटर्न सीक्वेंस को देखते हुए हम देखेंगे कि रियल लाइफ में हम अपनी प्रॉब्लम कैसे इसमें सेव करते हैं चीज शुरुआत करते हैं नंबर पैटर्न अ नंबर पैटर्न क्या होता है अ सीक्वेंस इन अ पैटर्न ऑफ नंबर दैट आर फॉर्म विद द डेफिनेट रूल कहता है एक ऐसी सीक्वेंस और नंबर का पैटर्न जो कि एक खास रूल के मुताबिक बना हुआ हो जो खास रूल के मुताबिक बना हो तो उसको हम क्या कहते हैं सीक्वेंस देयर आर मैनी पैटर्न इन नंबर्स वो कहता है ना इन नंबर क्या नाम है काफ़ी पैटर्न है नंबर्स के जो कि हम देखते हैं एग्जाम्पल में सबसे पहले वो दे रहा है इवन नंबर इवन नंबर के अंदर वो कह रहा है देखिए इवन नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय टू विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर रिमाइंडर वो कहता है कि जो टू इवन नंबर्स हैं अगर हम उसको टू के ऊपर डिवाइड करें तो वो कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता आप इवन नंबर में से कोई भी नंबर उठा लें तो टू उसको एग्जैक्टली पूरा पूरा डिवाइड करेगा स्केय नंबर आर मेड बाई मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर इट सेल्फ लाइक टू मल्टीप्लाई बाई टू वो कहते हैं कि जो स्केर नंबर हैं वो आप अपने ही इट सेल्फ से मल्टीप्लाई होकर बनते हैं आप कोई भी स्केयर नंबर उठा लें फाइव को उठा लें नाइन को उठा लें थर्टीन को उठा लें वन ट्वेंटी वन को उठा लें ले, तो वो देखेंगे थ्री भी थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा नाइन भी नाइन से हो रहा वन ट्वेंटी वन भी वन ट्वेंटी वन इट सेल्फ से ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो ये एक होती है सीक्वेंस जो कि ख़ास रूल के ऊपर बनी होती है अब हम देखते हैं कि इनफाइनाइट सीक्वेंस इनफाइनाइट और फाइनाइट और इनफाइनाइट हमने यूनिट वन में भी पढ़ा था इसको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं उसी से रिलेटेड ये सीक्वेंस भी है इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होती हैं थ्री डॉट्स इन द सीक्वेंस इन विच थ्री डॉट्स रिटर्न इन द एंड ऑफ द सीक्वेंस वो कहता है अगर किसी सीक्वेंस में एंड पे थ्री डोर्स लगे आपको नजर आए शोज डैट द सीक्वेंस इज कॉन्टीन्यूस फॉर एवर तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये चलती रहेगी ये कभी ना स्टॉप होने वाली है सच सीक्वेंस आर कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस को हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं मिसाल के तौर पे द नंबर पैटर्न फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ये फाइव टेन फिफ्टीन टवेंटी जो है ये ऐसी सीक्वेंस है जो कि ना ख़त्म होने वाली है क्यों क्योंकि मैंने देखा है कि इसका थ्री डॉट्स लगे हुए हैं इस वजह से ये ना ख़त्म होने वाली सीक्वेंस है वो कह रहा है इफ सीक्वेंस डून डज नॉट हैव थ्री डॉट्स एट द एंड कहता है ऐसी सीक्वेंस जिसके एंड के ऊपर तीन डॉट्स ना लगे हुए हों इट डज नॉट कॉन्टिन्यू फॉर आट ये कभी ना चलने वाली है मतलब इसकी कोई ना कोई आपको बाउंड्री पॉइंट लाजमी मिलेगी सच सीक्वेंस। इनको हम फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं मिसाल के तौर पे, जिसमें है two है, 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 है ये फाइनाइट सीक्वेंस क्योंकि इनका एंड पॉइंट मुझे नजर आ रहा है वो क्या टेन है आइडेंटिफाई पैटर्न एंड टर्म टू टर्म रूल्स हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई पैटर्न हम देखते हैं कि पैटर्न इसके अंदर चल क्या है और देखते हैं टर्म टू तो टर्म रूल इसके अंदर क्या चल रहे हैं शुरुआत करते हैं इफ़ द फर्स्ट टर्म एंड द टर्म रूल इज आइडेंटिफाइड द होल पैटर्न कैन फॉर्म अगर आप इसका पहले टर्म और देखें कि ये किस रूल के ऊपर चल रही है तो आप इससे पूरी की पूरी सीक्वेंस बना सकते हैं कैसे कंसीडर द पैटर्न टू फाइव एट मैं देख रहा हूँ अगर कोई पैटर्न है टू फाइव एट और इसके आगे डॉट लगे हुए हैं तो इट मीन्स डैट ये कौन सी है इनफाइनाइट सीक्वेंस है क्योंकि ये मुसलसल चलती जा रही है अब मैं देख रहा हूँ कि ये पहला टू है दूसरा फाइव है तीसरा एट है जब हम इसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें पता लगा कि भाई पहला नंबर तो क्या है टू है द फर्स्ट टर्म इज टू अब मैंने देखा कि टू में मैंने जब थ्री ऐड किया तो वो फाइव बन जाता है जब मैंने फाइव में थ्री ऐड किया तो वो क्या बन गया एट द फर्स्ट टर्म इज टू बाय एडिंग थ्री टू टू थ्री में टू एड गया वी हैव तो मुझे फाइव मिल गया एडिंग थ्री टू फाइव जब मैंने थ्री में फाइव ऐड किया वी हैव है तो मुझे क्या मिल गया एट मिल गया इन द गिवन पैटर्न इस पैटर्न के अंदर इस टर्म हैज बीन ऑब्टेन एडिंग थ्री टू प्रीवियस टर्म कहते हैं इस सीक्वेंस को अगर आप देखें इस पैटर्न को आप देखें तो आप पिछले टर्म में तीन जमा करें तो आपको अगली टर्म मिल रही है दैट इज टर्म टू टर्म रूल इसी चीज को हम टर्म टू टर्म रूल कहते हैं इज एड थ्री जो कि थ्री एड थ्री एड करके बना रहा रहे नेक्स्ट थ्री टर्म्स आफ्टर एट बताएं एट के बाद क्या होगा एट में भी अगर मैंने थ्री एड किया तो क्या आ जाएगा इलेवन इलेवन में भी अगर मैं थ्री एड करता हूं तो क्या आ जाएगा 14, 14 में भी अगर मैं तो क्या जगह तो ये देखें, अगले तीन टर्म लिखी हुई है और इससे हम ला सीक्वेंसेस की बना सकते हैं हम इसको फाइनाइट भी कर सकते हैं भी कर सकते हैं देखें अ सीक्वेंस विच इज ऑप्टेन बाय एडिंग और अ स्पेसिफिक नंबर इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस ऐसी sequence जिसमें एक खास नंबर ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से अगला नंबर हमें मिल रहा हो तो इसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं और ऐसी सीक्वेंस अ सीक्वेंस विच इज़ ऑप्टेन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय अ स्पेसिफिक नंबर अगर उस सीक्वेंस को किसी ख़ास नंबर से मल्टीप्लाई या उस खास नंबर से डिवाइड करने से सीक्वेंस आगे चल रही हो तो हम उसको जियोमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं वाहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया इंशाल्लाह शाला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है अलाफिज़